नर्मदापुरम, इटारसी और पिपरिया से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 40 स्पेशल ट्रेनों की सौगात मिली है। रेल प्रशासन ने आगामी त्योहारों जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान बढ़ते यात्री भार को देखते हुए इन विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों में एसी कोच, स्लीपर कोच और जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध करा दी है। रीवा रानी कमलापति, रीवा रानी कमलापति दानापुर, रानी कमलापति और जबलपुर दानापुर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनों की 40 सेवाएं चलाई जानी हैं। ट्रेन संख्या 02190 जो कि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन है, 5 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हर शनिवार को दोपहर 12:30 पर रीवा से प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 9:15 पर रानी कमलापति पहुँच जाएगी। वहीं ट्रेन संख्या 02189 जो कि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन है, 5 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हर शनिवार को रात 10:15 पर रानी कमलापति से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:20 पर रीवा पहुंचेगी। इस ट्रेन के स्टॉपेज सतना, मैहर, कटनी, मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा रहेंगे। ट्रेन संख्या 01661 एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक हर शनिवार और मंगलवार को दोपहर 2:25 पर रानी कमलापति से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8:45 पर दानापुर पहुंचेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 01662 एक्सप्रेस स्पेशल 27 अक्टूबर से 13 नवंबर तक हर रविवार और बुधवार को सुबह 11:45 से दानापुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:40 पर कमलापति पहुँचेगी। इस ट्रेन के स्टॉपेज नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गढ़वारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी, मिर्ज़ापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा रहने वाले हैं।